तीन और पेशेंट है जो नेगेटिव होके घर जा रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग की जाए। ये पॉजिटिव हो के, ये नेगेटिव हो चुके हैं लेकिन इनकी जो फीलिंग्स है वो पॉजिटिव है। कोरोना पॉजिटिव नहीं है, कोरोना नेगेटिव है, फीलिंग्स पॉजिटिव रखी हुई है इन्होंने। इनसे ही बात करते हैं कि जब कोविड हुआ तो फिर इस टाइम उनकी क्या सिचुएशन थी, क्या सोचा था इन्होंने? उस टाइम जब हम आए थे यहाँ पे तब हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मतलब एक बार तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो चुके थे, ऐसे लग रहा था कि अब ख़त्म है सब कुछ। लेकिन यहाँ आने के बाद स्टाफ बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत सेवा की है हमारी और अब हम बिल्कुल सही होके जा रहे हैं। पॉजिटिव है तो दो बार टेस्ट करवाया, दो बार पॉजिटिव आने के बाद अब ये नेगेटिव हुई है। वैसे इनके सिम्टम नॉर्मल थे? श्रीकाल जी, माइसेल्फ हेमा आर्या। मैं 22 को मैंने फर्स्ट टाइम अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, दैट डे आई वाज पॉजिटिव। और सेम डे मेरे को जब पता चला, मैंने वायरल हुई इनकी वीडियो देखी थी फेसबुक पे, फिर वहाँ से मुझे पता चला कि जो पीजी में रह रहे हो और जिनको नहीं हेल्प हो, घर में डोमेस्टिक हेल्प हो पा रही है, वो लोग यहाँ पे आके अपना प्रॉपरली वो करवा सकते हैं। तो फिर मैं सेम डे यहाँ पे आई। उसके बाद 7th डे पे मेरे को दोबारा से टेस्ट करवाया गया, बिकॉज आई वॉज़ नॉट दैट मच क्रिटिकल, मेरे सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं थे विजिबल। तो मुझे दोबारा से 7th डे में टेस्ट करवाया गया, तो दैट वॉज ऑल्सो पॉजिटिव। उसके बाद फिर थोड़ा सा मोरल डाउन हो गया, लेकिन मैं सभी को बोलना चाहती हूँ जो भी वीडियो देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव रखिए। आपकी विल पावर आपको रिकवर कर रही है, आपको बिल्कुल भी लेट डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको डराया जा रहा है कि कोरोना ऐसे वैसे, बट डोंट वरी। फर्स्ट डे इसके सिम्टम्स को आप नोटिस कीजिए और सेम डे से आप अपने आप को प्रॉपर एक जो रूटीन होता है उसको फॉलो कीजिए और आप जल्दी ही नेगेटिव हो जाएंगे। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच टू द स्टाफ जिन्होंने इतनी सेवा करी है बिना किसी उसके, और बहुत निस्वार्थ सेवा करी है। थैंक यू सो मच, रियली ग्रेटफुल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं पूरे स्टाफ का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद हूँ जिन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमें संभाला, सेवा की। मेरे को 18 तारीख को मेरी पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी और मैं 18 से लेकर 23 तक प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरे धक्के खाने के बाद, जब बिल्कुल अपनी लाइफ से हताश हो गया कि हाँ लगता है मेरी लाइफ खत्म है, तब मेरे को किसी व्हाट्सएप की वीडियो के थ्रू पता लगा कि ये कैसे करके 69 में कोविड सेंटर हुआ। तो मैं यहाँ पे पहुँचा, उन्होंने मुझे आते ही यहाँ पे एडमिट किया और बहुत ट्रीटमेंट अच्छी देते हैं ये, बहुत बढ़िया तरीके से केयर की है इन्होंने हमारी। मैं पूरे स्टाफ का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगा और पूरी इनकी संस्था का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो इन्होंने ये चीज़ बनाई और महात्मा जी जो सेवा कर रहे हैं। एक बार मैं सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरे स्टाफ के लिए एक जोरदार क्लैप की जाए जो इन्होंने हमारे लिए किया। आपकी एक शेयर की गई वीडियो किसी ना किसी की जिंदगी के में उसकी उम्मीद बनती है, उम्मीद बहुत जरूरी होती है। उनके लिए एक अच्छी उम्मीद बनती है। आप वीडियोस को ज़रूर शेयर किया कीजिए और उसे फॉरवर्ड किया कीजिए ताकि किसी ना किसी के लिए वो हेल्पफुल रहे। हमारे पास जो पेशेंट आए इन्हें सोशल मीडिया से पता चला कि ऐसी भी कोई संस्था है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी सेवाएं दी जा रही है। इनके जिन्हें नहीं पता होता, ये अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे, इन्हें लग गया था कि ज़िंदगी का शायद अंत इसी तरह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उम्मीद की एक छोटी सी किरण बहुत ज़रूरी होती है और इंसान के लिए एक अलग मुकाम तक पहुंचा देती है। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए होती है, जैसे इन लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। इन्होंने सोशल मीडिया पे चेक किया क्योंकि आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और होप करते हैं कि जितने भी बाकी पेशेंट्स हैं वो भी बहुत जल्दी नेगेटिव होकर घर जाए और सारे हेल्दी रहें।